नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। मैं इसमें रेलवे और लोकोमोटिव से संबंधित नॉलेज आपको देता रहता हूं। आज हम देखेंगे हाई रीच पेंटो के बारे में। ये पेंटो क्यों लगाया गया है, क्या है इसकी विशेषताएं, आइए जानते हैं। तो आज मैं आपको हाई रीच पेंटो के बारे में बताता हूँ। तो जैसे इसका नाम है हाई रीच, हाई का मतलब ऊंचाई, रीच का मतलब पहुँचना, ऊंचाई तक ये पहुँचता है, इसके लिए इसको हाई रीच पेंटो बोलते हैं। अब इसकी विशेषताएं मैं एक एक करके आपको थोड़ा स्लाइड में बताता हूँ कि क्या क्या विशेषताएं, कैसे काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसकी दो है। विशेषता नंबर एक, अगर ये अनवायर्ड में जाता है कभी भी तो पेंटो क्या होगा, लोअर हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इसके अंदर ऐसा एक डिटेक्टर वाल लगा हुआ है कि जैसे अनवायर्ड में जाएगा मतलब क्या होगा, उसकी निश्चित जो ऊंचाई है उस ऊंचाई से थोड़ा सा भी ऊपर चला जाएगा तो वो क्या होगा, पेंटो उसमें एक ऐसा सिस्टम दिया होगा, एक वाल दिया हुआ है। तो जैसे ये देखो, मेरी ये दो उंगलियां, एक उंगली आगे दिख रही है आपको और ये पीछे दिख रही है, तो वो जो वाल दिया, डिवाइस दी हुई है ना, उसमें एक कैम बनाया हुआ, वो पहले यहां तक रहता है इस उंगली तक, जैसे ही इस आगे आ जाएगा, ऊंचाई ऊपर उठेगा, इसको टच कर जाएगा, टच करेगा तो वो प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने से क्या होगा, उसमें एक वाल लगा हुआ, वहां से हवा लीकेज हो जाएगी, और जब हवा लीकेज हो जाएगी तो पेंटो अपने आप लोअर हो जाएगा। ये इसमें खास विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि इसकी जो पेंटो की स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप जहां से कॉन्टेक्ट वायर टच करता है, अगर स्ट्रिप किसी कारण से ज्यादा घिस गई तो उस स्ट्रिप के नीचे भी एक पाइपलाइन है, उसमें प्रेशर रहता है, तो वो पाइपलाइन भी जब ज़्यादा घिस जाएगी तो कट लग जाएगा और हवा का लीकेज हो जाएगा, तो उस समय भी हवा का लीकेज हो जाएगा और पेंटो नीचे बैठ जाएगा। और अब ये जो वो तो फिर डिफेक्टिव हो गया पेंटो, वो काम नहीं करेगा, और उसको हम आइसोलेट फिर नीचे से तो जो अपना VPT का कॉक है उससे बंद करके आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरा जो है, जो अपने आप नीचे हो जाता है, उसको रीसेट करने के लिए भी हमको छत पर जाना पड़ता है। तो छत पर जाना है तो वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, पावर ब्लॉक लेना पड़ेगा, टावर वैगन आएगा और परमिट टू वर्क टोकन देगा, तब हम छत पे चढ़ के उससे रिसेट कर सकते हैं। और रिसेट करने के लिए कुछ नहीं है, उसका एक स्पिंडल रहता है, उसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे, बस वो रिसेट हो गया है। काम बहुत इजी, लेकिन वो छत पे चढ़ना अलाउ नहीं ना, इसके लिए चालू गाड़ी लाइन में तो पावर ब्लॉक लेके ही चलना पड़ेगा, इसलिए वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रकार है। वैसे हमारे पास में दूसरा पेंटो है, अगर ऐसा हो तो दूसरा पेंटो उठा के हम सेक्शन क्लियर कर सकते हैं या गाड़ी चला भी सकते हैं। इसके जो फेलियर आते हैं हाई रीच पेंटो के, इसमें यही है कि एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो लगा हुआ है उसमें से भी कभी कभी लीकेज, मेरे को कई लोको पायलट ने बताया कि यार वो लीकेज की आवाज़ आती है, तो उसका जो कंट्रोल बॉक्स है ना उसके अंदर एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है और उसमें से हवा का लीकेज हो जाता, तो फिर दूसरा पेंटो उठा, अगर हवा का लीकेज कम है तो उसी पेंटो से चलती रहेगी गाड़ी, लेकिन ज़्यादा हो गया फिर दूसरे पेंटो से आती है, शेड में आती है, कंट्रोल बॉक्स को खोल के उस फिर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को चेंज कर दिया जाता है, उसमें गास्केट वगैरह फट जाते हैं, वो खराब हो जाता है, तो हवा का लीकेज हो जाता है। ऐसे फेलियर होते हैं। तो और अपन मैं आपको स्लाइड में दिखा के बताता हूँ कि हाई रीच पेंटो कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। ये है हाई रीच पेंटो का एट ए ग्लेंस चित्र, जिसमें पार्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, जो कुछ कुछ आपको दिखाई देंगे, नहीं दिखाई दे तो कोई बात नहीं है, इनको याद करने की भी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, आइए। हाई रीच पेंटो 3.5 मीटर तक रेंज होता है, जबकि AM12 पेंटो 2.46 मीटर तक ही रेंज होता है, और सर्वो मोटर की जगह पेंटो के लिए इसमें एक बेलो लगाया हुआ है जो रूप बार पर लगा हुआ है। इस पेंटोग्राम में स्प्रिंग है, पेंटो पेन, प्लेंजर, सर्वो मोटर आदि नहीं होते हैं। पेंटो स्ट्रिप में 6 kg हवा की पाइपलाइन लगी हुई है। यदि पेंटो स्ट्रिप क्षतिग्रस्त हो जाए तो पेंटो स्ट्रिप में हवा का रिसाव होने से पेंटो अपने आप लोवर हो जाएगा तथा दोबारा ऊपर नहीं उठेगा। चार्ज लेते समय पेंटो की जांच कर लेंगे। एक ही लोको में दोनों प्रकार के पेंटो हो सकते हैं, हमें ये ध्यान रखना है हम किस पेंटो से कार्य कर रहे हैं। और यदि हाई रीच पेंटो से कार्य कर रहे हैं
और वह अपने आप लोअर हो जाता है तो पेंटो और OHE की जांच करेंगे, यानी कि OHE किस टाइप की है वहां पे वो भी देखना पड़ेगा हमको। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो TLC को सूचना देंगे और TLC के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। अनवायर्ड सेक्शन में अगर कभी पेंटो या लोको चला जाता है तो 3495 से 3500 mm की ऊंचाई पर जाने पर पेंटो अपने आप लोअर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक ORD नाम की डिवाइस लगी गई है। और पेंटो को जब आपको नॉर्मल करना है तो छत पे लगी ORD ऑपरेटिंग वाल्व को मैन्युअली रिसेट करना पड़ेगा, जो कि आसान काम नहीं है। न्यूमेटिकली पेंटो को आइसोलेट करने के लिए VPT वाल्व तथा कॉक लगे हुए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको और भी देखने को मिले। और ये घंटी को तो अवश्य दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। धन्यवाद।